हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइज, आज इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं UMP को लेकर, तुम लोग कैसे रेड नंबर वाले हेडशॉट मार सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग जो भी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ UMP ही नहीं, SMG के जो भी गन्स है ना, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर तुम इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हो और अपने गेम प्ले में इंप्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पे रेड नंबर वाले हेडशॉट मार पाओगे, चाहे क्लास स्क्वाड हो, रैंक हो या फिर कस्टम मैचेस हो। तो गाइज, तुम्हें करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है और हमारा यहाँ पे लाइक टारगेट को पूरा करना है, एक एक लाइक करके। और अगर तुम लोगों ने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने OnePlus का अनबॉक्सिंग किया था और उसी के साथ साथ फ्री फायर का गेम प्ले टेस्ट भी किया था, वो भी हैंड कैम के साथ, तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देख सकते हो। सो बात करते हैं UMP हो या फिर कोई भी SMG वाला गन, तो इन गन्स को यूज करके तुम लोग रेड नंबर वाले हेडशॉट कैसे मार सकते हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप जो जाएंगे ना, वो होगा हमारा सेंसिटिविटी को लेकर। सो गाइज, हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेंसिटिविटी जो है ना, उसे हमेशा 100 पे रख के खेलना चाहिए, बट यहाँ पे SMG वाले गन्स के लिए ना, तुम्हें यहाँ पे सेंसिटिविटी का जो रेड डॉट होता है ना, तो वो रेड डॉट को यहाँ पे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर इसे 100 पे कर लोगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जब तुम ऊपर ड्रैग तो करते हो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉइल की वजह से ना, एक भी गोली एनिमी को नहीं लगती। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे रेड डॉट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सिर्फ 90-100 के बीच में रखेंगे, एकदम 100 नहीं रखना है, बस यहाँ पे हल्का सा कम करना है। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 94 कर लेता हूँ। तो इस तरीके से तुम अगर थोड़ा सा कम कर लोगे ना रेड डॉट वाले सेंसिटिविटी को, तो तुम्हारा जो ज़्यादा रिकॉयल हो रहा था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम अपने सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हो, और बाकी का जो भी सेंसिटिविटी यहाँ पे जनरल रेड डॉट तो तुम्हें रखना है 94 के करीब, और यहाँ पे 4x 2x उसे रखना है तुम्हें यहाँ पे 100 पे। सो हम लोगों ने यहाँ पे सेंसिटिविटी को सेट कर लिया है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप में, जो कि फायर बटन का साइज और उसका पोजीशन। फायर बटन को कितने साइज पे रखना चाहिए एंड इसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। सो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फायर बटन का साइज कितना होना चाहिए। देखो गाइस, फायर बटन का साइज जो है ना, उसे तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा करना है। तो फायर बटन का साइज हमारा मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम मतलब कोई रेंज तो होगा ना। तो देखो, मैं क्या यूज करता हूँ कि मेरा जो फायर बटन का साइज होता है ना, वो 35 से लेकर 50 के बीच में ही होता है। नॉर्मली मैं खेलता हूँ यहाँ पे 40 के फायर बटन के साइज में, लेकिन जब मेरा हैंडसेट थोड़ा सा बिगड़ जाता है, मेरा फायर बटन पे हाथ ही नहीं लगता, तो उस टाइम पे मैं इसे बढ़ा देता हूँ 46-48 तक। सो फायर बटन के साइज के लिए ना, अगर तुम्हारा हैंडसेट अच्छे से हो चुका है ना, तो तुम्हें यहाँ पे 40 से नीचे रखना है, या फिर 40 भी रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा हैंडसेट अच्छे से नहीं हुआ है फायर बटन के साथ, तो तुम इसे 44-46 या फिर 50 तक भी रख सकते हो। तो फायर बटन का साइज तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर चुके हैं, जो कि है 40 से 50 के बीच। लेकिन यहाँ पे फायर बटन के पोजीशन को हम कहाँ पे रखें ताकि हमारा अच्छा खासा हेडशॉट लगे, चाहे कोई भी SMG वाला गन हम लोग यूज करें। तो यहाँ पे फायर बटन के पोजीशन को ना क्या रखना चाहिए, यहाँ पे नीचे की तरफ रखना चाहिए, इतना भी नीचे नहीं कि तुम्हारा हाथ ही ना पहुँचे वहाँ तक। तो हल्का सा तुम्हें नीचे की तरफ रखना है, ताकि जो तुम्हारा गन वाला बॉक्स है और तुम्हारा फायर बटन, उसके बीच में अच्छा खासा गैप हो, ताकि तुम अच्छे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर सको। तो हल्का सा नीचे की तरफ रखना है। ये देखो, मैं जो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, इस पोजीशन पर अगर तुम रखोगे, और तुम्हारा हैंडसेट अच्छे से करना पड़ेगा भाई, हैंडसेट अगर नहीं होगा ना, तो तुम्हें फायर बटन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस हल्का सा नीचे की तरफ रखना है, और 40 से 50 के बीच रखना है फायर बटन के साथ, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। सो अब बात करते हैं हेडशॉट ट्रिक के बारे में, कैसे तुम्हें क्या करना है ताकि तुम अच्छा सा हेडशॉट मार पाओ। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले रेंज और यहाँ पे एनिमी का पोजीशन, इन दोनों को डिटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, किस रेंज में तुम्हें फायर करना है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में है, अगर वहाँ पे तुम ट्राई करोगे ना, बहुत ज़्यादा रिकॉयल बढ़ जाएगा, और बहुत क्लोज रेंज में एकदम चेस्ट पे चिपक जाएगा। तो रेंज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर एनिमी का पोजीशन, मतलब एनिमी तुम्हें जब फायर करेगा ना, उस टाइम पे तुम्हें फायर करना है, ताकि तुम हेडशॉट मार सको। और अगर उससे पहले या फिर उसके बाद में मारोगे ना, तो तुम्हें हेडशॉट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगेगा, बट हेडशॉट लगने का चांसेस काफ़ी कम हो जाएगा, तुम्हारा ज़्यादातर बॉडी शॉट लग सकता है। सो तुम्हें इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, जो कि रेंज और यहाँ पे एनिमी का पोजीशन। ये दोनों खत्म होने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें एम को रेड करना है, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोटेशन ड्रैग का यूज नहीं करने वाले, उससे भी ज़्यादा आसान चीज़ें यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो कि है डाउन अप ड्रैग।
हल्का सा तुम्हें एम को लॉक करना है एंड उसके बाद फायर रॉड को नीचे खींचना है और तुरंत ऊपर खींचना है। तो डाउन अप ड्रैग जो होता है ना गाइज, ये होता है रोटेशन ड्रैग का स्टेप नंबर 1 और इसे सीखना बहुत आसान होता है और बहुत ही सिंपल है गाइज। बस तुम्हें हल्का सा ड्रैग करना है नीचे एंड देन ऊपर। ये करने से क्या होगा कि एम लॉक करने के बाद जब तुम हल्का सा नीचे ड्रैग करोगे ना तो तुम्हारा एम जो है वो एनिमी के चेस्ट पे चिपक जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही तुम ऊपर को ड्रैग कर रहे हो इसलिए तुम्हारा एम जो है वो तुरंत ऊपर उड़ जाएगा और उसके हेड पे जाके चिपक जाएगा। तो इस तरीके से तुम उसे बहुत ही अच्छे से रेड नंबर वाले हेडशॉट मार सकते हो। सो गाइज, बस एक और चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर तुम पहली बार ऐसा ट्राई करते हो और तुम्हारा एम जो है वो पूरी तरीके से एनिमी के बॉडी पे चिपक चुका है, अब हेड तक पहुंच ही नहीं रहा, तो वहां पे तुम्हें एम को हटाना है। मतलब एक दो बुलेट फायर करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हेड तक नहीं जाने वाला, तो वहाँ से तुम्हें एम को हटा लेना है एंड दोबारा से एम लॉक करने के बाद फिर से तुम्हें ट्राई करना है हेडशॉट के लिए। ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है गाइज, अगर तुम्हारा पहली बार एम स्टॉक हो जाता है तो तुम्हें दोबारा से ट्राई करना है एम हटाने के बाद। सो ओके गाइज, ये था यूएमपी या फिर कोई भी एसएमजी वाले गन से रेड नंबर वाले हेडशॉट मारने के सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स होते हैं ना, तो ये सब कुछ थे। तो इन्हें तुम्हें अच्छे से यूज करना और ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे से प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली तुम लोग वन टैप हेडशॉट के साथ ऐसे रेड नंबर वाले हेडशॉट भी मारोगे।